हेलो, दिस इज नरेंद्र सिंह। वेलकम टू सोलंकी स्टडी पॉइंट। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास टेंथ का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर टू, नेशनलिज्म इन इंडिया। और अपना टॉपिक होने वाला है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन में अपन ने इससे पहले अपन ने पढ़ा है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में अपन ने क्या देखा कि गांधी जी ने एक लार्ज स्केल पे लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की, ठीक है, जिसका जो है कुछ बेनिफिट्स भी हमें मिला। लेकिन अचानक जो है उन्होंने, गांधी जी ने उसको सस्पेंड कर दिया, चोरा चोरी जो गोरखपुर के अंदर इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में। तो अब लोगों के अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स डेवलप हो रही थी कि हम बहुत यूनाइटली वर्क कर रहे थे, गांधी जी ने सस्पेंड कर दिया। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी टाइम मिल गया कि लोगों के अंदर ये जो फीलिंग्स है, ये जो आइडियाज है, वो डेवलप कैसे हुए, उनकी स्टडी कैसे करें अपन। तो उसकी स्टडी के लिए क्या क्या उन्होंने कमीशन भेजा जो पूरा का पूरा केस स्टडी कर सके कि क्या चला, क्या हुआ, क्यों ऐसी जो घटनाएं वो घटी, क्यों ये पूरा का पूरा जो करिकुलम है वो बना। तो स्टार्टिंग क्या हुआ, स्टार्टिंग में सबसे पहले उन्होंने सर जॉन साइमन को इसका हेड बनाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो जॉन साइमन है, उस जॉन साइमन को उसका हेड बनाया और उन्हें इंडिया भेजा गया कुछ लोगों की ग्रुप्स के साथ में। बेसिकली 5 लोगों का एक ग्रुप था, उसे ये भेजा गया। और भेज करके काम क्या था उनका, उन्हें एक टॉपिक दिया गया, ये टॉपिक बोले तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से रिलेटेड, कि ये जो सिचुएशन है वो कैसे क्रिएट हुई और उसके अलावा आगे हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सके, उससे रिलेटेड क्या हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्या कंडीशंस हो सकती है, क्या हम प्लानिंग्स पहले से है वो तैयार करें। तो क्या हुआ, सर जॉन साइमन हेड ऑफ दिस कमीशन, सर जॉन साइमन को हेड बनाया गया इस कमीशन का। कमीशन इज अ ग्रुप हेड रिप्रेजेंटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड, उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इसकी, सर्च फॉर द टॉपिक, क्या टॉपिक सर्च करना था, टॉपिक प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जो जो गवर्नमेंट ने उन्हें टॉपिक्स दिए थे कि आपको ये करना है, नॉन कॉरपोरेशन के रीजंस को आपको फाइंड करना है, वहाँ की सिचुएशन कैसी है वो आपको फाइंड करना है, क्या हम आगे इसके लिए रिसोर्सेज हमारे पास है, वो सारी चीजें जो है हमें इनके अंदर फाइंड करनी थी। तो फाइनली होता क्या है, 1928 के अंदर साइमन कमीशन है वो कहाँ आता है, केमिन इंडिया, इंडिया आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि अब जो भी रिजल्ट आने वाला है वो ब्रिटिशर्स के फेवर में आएगा, बिकॉज ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिश, क्योंकि इंडिया का कोई मेंबर था ही नहीं। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, वो हाइडली वर्क करेंगे, ठीक है, और जो भी रिजल्ट होगा वो इंडिया के लोगों को उसका रिजल्ट नहीं पता चलेगा और अंडरग्राउंडली वर्क करने वाले हैं। तो अब होता है क्या है, इस साइमन कमीशन की वजह से बहुत सारी हलचल जो है हमारे इंडिया के अंदर होने लगती है। और उस समय एक सिंगल वन पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी। अब वो किसी भी फॉर्म में वर्क कर सकती थी, वो हमने नॉन कॉरपोरेशन में पढ़ा कि वो केवल जो हायर कैटेगरी के लोग थे, हायर कास्ट थी, लाइक हिंदूज, उनको सपोर्ट कर रही थी, मतलब टोटली इक्वली जो है सोसाइटी को सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो अब आगे देखेंगे कि हुआ क्या, उस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी का जो है 1929 में क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई, कहाँ पे हुई, लाहौर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से अटैम्प्ट किए जाते हैं, रोटेट करके इनको क्वेश्चंस को दे दिया जाता है कि लाहौर कांग्रेस का जो, कांग्रेस का जो लाहौर कॉन्फ्रेंस है वो कब हुआ था, या 1929 का कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का वो कहाँ हुआ था, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1929 का जो दिसंबर का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था कांग्रेस का लाहौर में, उसके अंदर क्या क्या उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड कर दी कि वी गॉट ओनली पूर्ण स्वराज, वी वॉन्ट पूर्ण स्वराज, हमें केवल पूर्ण स्वराज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मतलब कुल मिला के इंडिपेंडेंस जो है वो चाहिए, वो डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि पब्लिक के सामने कुछ नया लाना जरूरी था, पब्लिक परेशान हो गई थी, ठीक है। फाइनली हुआ क्या, 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया उन्होंने इंडिपेंडेंट डे। इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया क्यों, क्योंकि लोगों को वापस कनेक्ट करना था। तो उन्होंने पहले तो पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी असेंबली में, देन उसके बाद में 26 जनवरी 1930 को अपना इंडिपेंडेंट डे जो है वो डिक्लेयर किया, और उसी की वजह से हमने 26 जनवरी को ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको असेंबल किया था। मतलब हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ, रीजन पता चल गया आपको, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने फर्स्ट जो है इंडिपेंडेंस डे है उसको सेलिब्रेट किया था बिफोर इंडिपेंडेंस। और फाइनली हुआ क्या, 4-5 दिन बाद में 31 जनवरी 1930 को क्या किया, गांधी जी ने रॉट ए लेटर टू लॉर्ड इरविन, जो उस समय लॉर्ड थे इरविन, तो और इरविन को उन्होंने क्या लिखा, 11 लेटर्स का एक डिमांड, ठीक है, 11 डिमांड्स का एक लेटर लिखा। उसमें इस लेटर में कौन कौन सी डिमांड्स थी, ठीक है, वो ज्यादातर
इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि केवल ये एक सिंगल लाइन है आपकी बुक्स में। वैसे मैं बता देता हूँ, जैसे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के अंदर बहुत सारे जो लीडर्स थे उनके, उनको अरेस्ट किया गया, रॉलेट एक्ट के तहत कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, बहुत सारे उनकी पावर्स सीज कर ली गई थी, बहुत सारे एरियाज को सीज कर लिया गया था। उनको लेकर के उनकी कुछ 11 जो है वो डिमांड्स थी, उन डिमांड्स को लेकर के उन्होंने लॉर्ड इरविन को क्या लिखा, लेटर लिखा। लेकिन फाइनली हुआ क्या, लॉर्ड इरविन ने उस लेटर को रिजेक्ट कर दिया। अब गांधी जी गुस्सा हो गए और मेरे लेटर को रिजेक्ट कर दिया, तो फाइनली होना क्या, फाइनली हुआ ये कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को एक मार्च बोले तो एक यात्रा, एक कह सकते हैं एक रैली जो लंबे दांडी तक जाने वाली थी, कहां से, साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे इसके बारे में कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को कौन सी मार्च स्टार्ट की, कहां से हुई, कितना डिस्टेंस था, कहां तक गई, कौन कौन साथ गए और उससे उन्होंने क्या क्या किया, उसका क्या रिजल्ट होने वाला था। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, दीजिए मुझे बता, जय हिंद।